लेकिन उस रात जब मैं कब्रिस्तान गई ना, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा कि जैसे पहले मैं कब्रिस्तान से जिंदा होकर वापस आ गई थी ना। आई थिंक यही फार्म हाउस लग रहा है, मैं देख रहा। मेरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता दलदल में धंसता चला जा रहा है। असलम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब अब हया को मुतसिम ने एक उम्मीद तो दिला दी कि अगर मीरप ना मिली तो ये अंगीठी तुम्हारी हो जाएगी। इसका मतलब मुतसिम हया से शादी कर लेगा और हया तो बहुत ही खुश हो रही है कि मीरप तो कभी नहीं मिलने वाली, पता नहीं कहाँ गुम है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, मगर मीरप मिल जाएगी और उसकी वापसी तभी होगी जब वो माँ बनने वाली होगी और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा सवाए इसके कि वो मुतसिम के साथ घर वापस आ जाए, क्योंकि इस हालत में उसको तलाक भी नहीं हो सकती तो वो मान जाएगी कि जो कुछ भी हो उसकी अपनी गलती थी। इसीलिए मुतसिम मीरप को घर वापस से ले आएगा और हया की आंखें तो फटी की फटी रह जाएंगी। तुम वापस कैसे आ सकती हो, तुम कहाँ थी अब तक, तुम इसे कैसे वापस लेकर आ गए। लेकिन मुतसिम हया की कोई बात नहीं सुनेगा और मीरप को और अपनी बेटी को कबूल कर लेगा। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।